लो, आज फिर एक नई खबर आ गई। अब क्या हो गया है? एक प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। ये आजकल के नौजवानों को हो क्या गया है? पहले तो एक दूसरे को आई लव यू बोलकर साथ रहना शुरू कर देते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद आई हेट यू बोलकर एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। आजकल के बच्चों में पेशेंस कहाँ है? एक दूसरे को समझने का वक्त कहाँ देते हैं? सब के सब एक जैसे हैं। मैं तो कहता हूँ कि हमारा कमरा सिर्फ उन्हीं लोगों को देंगे जो सिंगल हो या फिर शादीशुदा हो। नो लिव इन कपल। ऐसा नहीं है जी, सब तो एक जैसे नहीं होते हैं। किसी से प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, बस नियत अच्छी होनी चाहिए। और कुछ युवा ऐसे भी हैं जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। वो सब मैं नहीं जानता। मैंने तो फैसला कर लिया कि प्रेमी जोड़े को कमरा भाड़ा नहीं देंगे, बस। हेलो, हाँ एक मिनट होल्ड कीजिए, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, हाँ अब बोलिए। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। जी नमस्ते नमस्ते, बताइए क्या खुशखबरी है? एक बहुत बड़ी पार्टी हाथ लगी है आपके फ्लैट के लिए। 1,00,000 एडवांस देने को तैयार है सर। वो सब तो ठीक है, मैंने जो शर्त बताया था वो याद है ना आपको? पार्टी सिर्फ सिंगल या मैरिड होना चाहिए। नो लिव इन कपल। जी जी बिल्कुल याद है, मैं बस पार्टी को आपके पास लेकर आ रहा हूँ। ठीक है तब, ऐसा करो, शुभ काम में देरी क्यों, लेकर आओ। ओके सर ओके, मैं जल्दी मिल रहा हूँ आपसे। ठीक है। जी सर, जी जी मैं पहुंच गया हूँ कोलकाता। बस बस, हाँ हाँ जी जी, थैंक यू। मैं फ़ोन करता हूँ आपको बाद में। हेलो सर। हेलो, अंदर आ जाइए। भैया डिग्गी खोल दीजिए। हेलो सर। हेलो, आई एम सतीश, आपका एजेंट। वेलकम टू कोलकाता। थैंक यू, बॉबी है। वैसे सर आप क्या कोलकाता पहली बार आए हैं? नहीं, एक्चुअली आई बॉर्न इन कोलकाता, बट 10 सालों के बाद आ रहा हूँ। वैसे सतीश जी, आपने जो एड्रेस भेजा था हम लोग वहीं जा रहे हैं ना? जी सर वहीं जा रहे हैं, लेकिन सर इन 10 सालों में कोलकाता बहुत चेंज हो गया है। वो तो दिख ही रहा है, पहले से काफी डेवलप हो गया है। भैया वो ग्रीन वाला बिल्डिंग दिख रहा है ना, बस वहीं पे रोक दीजिएगा। बस 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 यहीं पे रोक दीजिए। थैंक यू। आइए सर। जी थैंक यू। आइए सर। आइए आइए आराम से।
पार्टी आ गई है सर। ओ ये है फ्लैट ओनर, आइए आइए। सर अंदर आइए। नमस्कार सर। नमस्कार। ये है मिस्टर बॉबी। नमस्कार। नमस्ते। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। ये देखो यही मेरा घर है, आपको पसंद आया? जी अंकल जी, अच्छा है। ऐसा कीजिए आप बैठिए, मैं भीतर से होकर आता हूँ। हाँ हाँ, देख लीजिए। जी जी चलिए। ये लीजिए आपका कमीशन। थैंक यू अंकल जी, और आगे भी कभी मेरी जरूरत पड़े तो याद रखिएगा। अच्छा तो अब आज्ञा दीजिए। आइए। बेटा वैसे तो एजेंट ने आपको सब नियम कानून बता दिया होगा ना? जी अंकल जी, मुझे पता है, एजेंट ने बताया था मुझे। वैसे मैं यहाँ सिंगल ही रहने वाला हूँ। तब ठीक है। ये लो चाबी। थैंक यू। और देखो फ्रिज में तुम्हारे लिए कुछ खाना रखा हुआ है, जब भी मन करे वो खा लेना। और हाँ कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। थैंक यू। यस सर। भेजा नहीं? हाँ हाँ बस भेज रहा हूँ। बस मैं मेल कर रहा हूँ। और वो बैलेंस शीट का क्या हुआ, तुमने चेक किया? मैं दो मिनट में आपको बैलेंस शीट भेज रहा हूँ। और जैसवाल इंडस्ट्रीज की तरफ से एक मेल आया है आज सुबह। जी मैं अभी मेल चेक कर रहा हूँ। कौन आ गया? ओके वेट वेट वेट। लिली तू यहाँ? अरे क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? मेरी बात सुनो, हुआ क्या, कुछ तो बताओ। प्लीज सुनो, क्या हुआ बताओ, क्यों रो रही हो, क्या हुआ? अरे कुछ तो बता। पापा से मेरा झगड़ा हो गया। हाँ? मैं घर छोड़ के चली आई हूँ। लेकिन क्यों, क्या हो गया ऐसा? वो हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तुम समझने की कोशिश करो। I love you so much। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। Even I love you too। मैं समझ सकता हूँ। चलो तुम पहले अंदर। क्या हो गया? अच्छा सुन तू मेरी बात, प्लीज रो मत, तेरी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आई लव यू सो मच, प्लीज रो मत, बिल्कुल टेंशन मत ले तू, ठीक है? ड्रामा क्वीन है तू, तुझे पता है, पूरी ड्रामा क्वीन। पापा की बातों का इतना बुरा मान गई कि घर छोड़कर चली आई। वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं, ही रियली केयर्स फॉर यू। मैं बात करूंगा उनसे, तू रोना बंद कर, मैं बात करूंगा उनसे, ठीक है? नो बेबी, वो नहीं मानेंगे। अरे मानेंगे नहीं कैसे, मैं मनाऊंगा उन्हें। अच्छा तू एक बात बता, तू प्यार करती है ना मुझसे? हाँ, बहुत। बस फिर क्या है, तू साथ है तो मैं दुनिया जीत लूं। तू टेंशन मत ले,
बेबी हम लोग 5 साल से रिलेशनशिप में, चलो ना भाग के शादी कर लेते हैं। यस बेबी जरूर करेंगे, लेकिन भाग कर नहीं, मॉम डैड की मर्जी से, ठीक है? तुझे भूख लगी होगी? हाँ। कुछ खाना है? हाँ। अभी लाऊं? हाँ ठीक है। ओके तू बैठ। बॉबी मैं कह रहा था। जी बोलिए। आप कौन हैं? मैं बॉबी की गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं इस बिल्डिंग का ओनर हूँ। बॉबी कहाँ है? बुलाओ उसे। बॉबी। जी जी अंकल। बॉबी मैंने आपसे पहले ही कहा था यहाँ लड़कियां अलाउ नहीं है, फिर भी आपने वही गलती की। आपने मुझसे झूठ कहा कि आप सिंगल हैं। मैं तो यहाँ सिंगल ही रहने वाला था अंकल जी, आप तो जानते हैं, लेकिन बात कुछ ऐसी हो गई। मैं अब और कुछ नहीं सुनूंगा। आपने नियम का उल्लंघन किया है, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कल सुबह होते ही यहाँ से दफा हो जाओ। अरे 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 क्या हो गया आपको? अरे अंकल क्या हो गया? क्या हो गया आपको? संभाल के। क्या हो गया? आराम से अंकल जी, संभल के। संभाल के। अचानक आस्ते। क्या हो गया आपको? संभल के आराम से। यहाँ बैठिए आराम से। बेटा। जी आंटी। मेरे फोन से हमारी फैमिली डॉक्टर अविनाश को फोन लगाओ। ठीक है आंटी। जल्दी करो बेटा। जी आंटी अभी फोन कर रहा हूँ। हे भगवान क्या हो गया? अपने आप को संभालिए आंटी, फिक्र मत कीजिए, बॉबी डॉक्टर को जल्दी लेके आ रहा है। मैंने इन्हें कितनी बार मना किया है कि ज्यादा टेंशन मत लिया कीजिए, लेकिन ये है कि मेरी एक बात तक नहीं सुनते हैं। सुबह से इन्होंने दवाई तक नहीं ली, मैंने कितनी बार कहा लेकिन इनको काम की पड़ी है। अंकल को कुछ नहीं होगा आंटी, जल्दी ठीक हो जाएंगे। हे भगवान अब क्या होगा? कुछ ठीक हो जाएगा आंटी। आइए डॉक्टर साहब देखिए ना इनको क्या हो गया। देखिए ना डॉक्टर साहब इन्हें क्या हो गया, अचानक देखिए ना। हाँ हाँ मैं देखता हूँ। दीजिए। हाँ इनकी बीपी कुछ ज्यादा बढ़ने के कारण इनकी तबीयत बिगड़ गई है। ये तो अच्छा हुआ कि आप लोगों ने मुझे टाइम पे बुला लिया, नहीं तो इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आ जाती। खैर अभी के लिए मैं इंजेक्शन दे दे रहा हूं, इन्हें आराम मिल जाएगी। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, आप लोग इन्हें टाइम पे देते रहिएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा काम है। ये लीजिए। ठीक है ध्यान रखिएगा, अब मैं चलता हूँ। आंटी मैं इन्हें छोड़ के आता हूँ। ठीक है बेटा
चलिए दीजिए, मैं पकड़ता हूं। बैठो बेटी। एक्चुअली आंटी, इसमें बॉबी की कोई गलती नहीं है, वो तो यहाँ अकेले ही रहने आया था। वो मैं गुस्से में पापा से झगड़ के यहाँ चली आई और ये सब हो गया। कोई बात नहीं बेटी, इंसान से गलती हो जाती है, मैं समझ सकती हूँ। वैसे एक बात कहूँ, तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है। वो दरअसल आजकल इतनी सारी नेगेटिव न्यूज सुनती हूँ लिव इन कपल के बारे में, टीवी में, अखबार में, चारों तरफ यही सुनने को मिलता है, इसीलिए ये जरा परेशान हो गए थे। नहीं नहीं आंटी जी, बॉबी बिल्कुल भी वैसा नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरा ख्याल भी रखता है। वी आर सोलमेट। वो तो पापा से जल्द ही बात करने वाला था हम दोनों की शादी के लिए। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा यूं ही बनाए रखे। आंटी जी, मैं थोड़ा पैकिंग कर लेता हूँ, कल निकलना है ना हम लोगों को। लिली, तुम यही रहना है आंटी जी के पास। हाँ। आप थोड़ा आराम कर लीजिए आंटी, मैं अंकल के पास बैठती हूँ। ठीक है बेटा, जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। वैसे आज मुझे नींद नहीं आएगी। नमस्ते आंटी जी। आओ बेटा, अंदर आओ। नमस्ते। आओ। अंकल जी, ये रही आपकी चाबी। हमारी वजह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ी, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। लीजिए आपकी चाबी। ठहरो, कोई कहीं नहीं जाएगा। माना कि मैं कड़क मिजाज का हूं, पर इतना निर्दयी नहीं हूं कि इतने प्यारे जोड़े को खुद से जुदा कर दूं। ये लो चाबी, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक बेटा मेरा अमेरिका में है और दूसरा आप लोग मेरे साथ रहेंगे इसी फ्लैट में। हाँ
वहां नहीं यहां।